नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ सिलेबल का, जो इंग्लिश ग्रामर का है, जिसमें मैं आपको सिलेबल यानी कि शब्द खंड होते हैं उनके प्रकार बताऊँगी और इसकी ट्रिक बताऊँगी कि कैसे आप सिलेबल को पहचानेंगे और सिलेबल के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है ये भी आपको बताऊँगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं सिलेबल। सिलेबल क्या है देखिए, अ सिलेबल इज अ सिंगल अनब्रोकन वोवेल साउंड विद इन आई स्पोकन वर्ड। जो भी शब्द हम बोलते हैं उनमें जो शब्दांश होते हैं वो एकल होते हैं, मतलब एक शब्द में एक सिलेबल होता है, एक दो एक से अधिक भी होते हैं, लेकिन इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, ये अखंड होते हैं। वोवेल साउंड होते हैं यानी कि स्वर की ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें सिलेबल कहा जाता है। दे टाइपिकली कंटेन अ वोवेल और टू इफ वन इज साइलेंट। अगर एक साइलेंट है यानी कि साइलेंट का मतलब जैसे उच्चारित नहीं किया जा रहा हो, जिसका उच्चारण ना किया जा रहा हो, इनमें जैसे कि नॉर्मली एक शब्द में एक स्वर ध्वनि होती है या दो होती हैं, दो से अधिक भी होती हैं। एंड परहैप्स वन और मोर एकम्पनिंग कंसोनेंट्स, और एक से एक व्यंजन हो सकता है या एक से अधिक व्यंजन हो सकते हैं किसी शब्द में। सो सिलेबल्स आर ऑलवेज ए ई आई ओ यू और समटाइम्स वाई व्हेन इट मेक्स अ वोवेल साउंड। इसलिए सिलेबल जो होते हैं हमेशा ए ई आई ओ यू होते हैं। और साथ में एक चीज़ और जान लीजिए, ए ई आई ओ यू तो होते ही हैं और जो हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं अ आ ई उ ऊ ए आई ओ औ अंग अहा, ये भी आते हैं इसी में। जो इनकी वोवेल साउंड होती है हिंदी वाले स्वरों की, उसी से इनको काउंट किया जाता है। जो इंग्लिश वाले वोवेल्स होते हैं उनकी इनकी काउंटिंग वहीं से होती है। कभी कभी वाई होता है, वाई कब होता है, जबकि ये किसी वोवेल की ध्वनि बनाए, जब वाई से किसी वोवेल की स्वर की ध्वनि निकले तब इसे सिलेबल माना जाता है। एक शब्दांश से एक बोले गए शब्द के भीतर एक एकल अखंड स्वर ध्वनि है, उनमें आमतौर पर एक स्वर या दो होते हैं। यदि एक चुप है यानी कि जिसे उच्चारित ना किया जा रहा हो और शायद एक या अधिक व्यंजन है, तो अक्षर हमेशा ए ई आई ओ यू कभी कभी वाई होते हैं जब यह स्वर की ध्वनि करता है। जब वाई स्वर की ध्वनि करता है तब इसमें वाई को स्वर के रूप में ले लिया जाता है। सभी शब्द कम से कम एक शब्दांश से मिलकर बने होते हैं, एक शब्दांश तो होता ही है। सिलेबल आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ साउंड दैट यू हियर इन ईच वर्ड। ईच सिलेबल मस्ट हैव अ वोवेल साउंड। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए कभी, तो ये छोटी सी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। समटाइम्स सिलेबल्स आर कॉल्ड बीट्स इन द वर्ड। इन्हें क्या है, बीट्स के रूप में, जैसे कि ड्रम होते हैं, ड्रम्स को बजाया जाए, बीट्स जो ध्वनि निकलती है उसके रूप में भी लिया जाता है। कैसे, शिल ले बल, ऐसे करके। शब्दांश ध्वनियों के छोटे समूह होते हैं जिन्हें आप प्रत्येक शब्द में सुनते हैं। प्रत्येक शब्दांश में एक स्वर ध्वनि होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए समझते हैं कैसे। कभी कभी शब्दांश को जो बीट्स कहा जाता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है। अब देखिए, जैसे क्या टाई, टाई हैज वन सिलेबल। कैसे, देखिए टाई कैसे वन सिलेबल है। जैसे लिखा गया टाई, टी आई ई टाई, तो ये जो आई और ई है इनसे मिलके क्या बन रहा है, ई, ई की ध्वनि इनकी निकल रही है, तो क्या हो गया कि इसमें टाई, टाई में एक सिलेबल आपका है। ये जो सिलेबल है ये दो स्वर मिलके एक ध्वनि बना रहे हैं, दो स्वर मिला के एक स्वर की ध्वनि निकल रही है, टाई, ठीक है। इसके बाद अगला है रेस्क्यू। रेस्क्यू हैज टू सिलेबल्स, रेस क्यू, रेस क्यू। देखिए कैसे, रेस लिखा आर ई एस, रेस, रेस पे रुक गए, फिर इसमें जोड़ा क्यू, क्यू, तो आर ई, रेस्क्यू का ई, रेस का ई और सी के बाद यू ई, ये दोनों क्या हुए, इसमें दो सिलेबल माने जाएंगे, रेस क्यू।
कहने को तो ये दो वॉवल हैं, लेकिन ये दोनों वॉवल मिलके यू का साउंड बना रहे हैं, एक अलग ही साउंड बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, यू का साउंड बना रहे हैं, तो क्या हो गया ये, इसको एक ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगला है अल्फाबेट। अल्फाबेट हैज थ्री सिलेबल, कैसे, अल फा वेट, अल फा वेट, जो शब्द है तीन बार टूट रहा है, तो अल का ए, फा का ए और बेट का ई, ये तीनों मिला के क्या हुए आपके, वॉवल साउंड हुए। तो इसमें कितने सिलेबल हैं आपके, तीन सिलेबल हैं। इसके बाद क्या है, एक्टिविटी हैज फोर सिलेबल्स, कैसे, एक्टिविटी, एक्टिविटी, आपने एक्टिविटी बोला तो आपका जो शब्द है कितनी बार टूटा, चार बार, एक्टिविटी। तो इसमें कितने हो गए, ए आई आई वाई, वाई क्या है, आई का साउंड बना रही है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि वाई भी यूज होती है कब, जबकि ये स्वर का साउंड दे, अभी क्या दे रही है, आई का साउंड दे रही है, तो इसको सिलेबल में गिना जाता है। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हैज फाइव सिलेबल्स, कैसे, ई लैक ट्री सी टी, ये शब्द जो है आपका पांच बार टूटा, कैसे टूटा, ई लैक ट्री सी टी, शब्द जो टूटता है वही आपका सिलेबल होता है, उसी में सिलेबल निकलता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सिलेबल, सिलेबल के प्रकार। सिलेबल जो है मोस्टली सात प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सात प्रकार के। देखिए कौन कौन से होते हैं जो सिलेबल्स होते हैं, एक होता है आपका क्लोज्ड सिलेबल, क्लोज्ड सिलेबल यानी कि ओपन शब्दांश, खुला सॉरी बंद शब्दांश, क्लोज्ड सिलेबल बंद शब्दांश, कैसा शब्दांश, बंद। ठीक है, इसको मैं आपको लास्ट में नीचे समझाऊंगी। अभी अगला है ओपन सिलेबल, ओपन सिलेबल यानी कि खुला हुआ शब्दांश, कैसा, ओपन सिलेबल यानी कि खुला हुआ, खुला हुआ। ठीक है, अगला है वॉवल टीम सिलेबल। वॉवल टीम का मतलब क्या है, वॉवल टीम सिलेबल, स्वर जब टीम शब्दांश बनाए, मतलब कि दो स्वर मिला के एक स्वर की ध्वनि निकले, दो स्वर को मिला के एक स्वर की ध्वनि निकले, तो क्या हो जाएगा, ये टीम सिलेबल में आ जाएगा। ठीक है, अगला है डिप्थोंग सिलेबल। इसमें क्या होता है आपका, दो स्वर मिलके क्या करते हैं, संयुक्त ध्वनि बनाते हैं। डिप्थोंग सिलेबल में दो स्वर होते हैं, दो स्वर मिलके क्या बनाते हैं, संयुक्त ध्वनि बनाते हैं, संयुक्त ध्वनि बनाते हैं, ध्वनि बनाते हैं। ठीक है, डिप्थोंग में क्या होता है, दो सिलेबल मिलके एक संयुक्त ध्वनि बनाते हैं। अगला है वॉवल कॉन्सोनेंट ई सिलेबल, वॉवल कॉन्सोनेंट ई सिलेबल यानी कि स्वर व्यंजन ई शब्दांश। अगला है छठवा कॉन्सोनेंट एल ई सिलेबल यानी कि व्यंजन एल ई शब्दांश। और इसके बाद लास्ट है आर कंट्रोल्ड सिलेबल, आर कंट्रोल्ड सिलेबल जिनको आर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि किसी शब्द में जैसे है कार, सी ए आर कार, आर कंट्रोल का मतलब होता है कि आर से नियंत्रित किया जाता है, आर की एक अपनी ध्वनि होती है, आर कार। तो और क्या होता है कि आर से पहले एक वॉवल होता है, जब आर से पहले वॉवल हो और वॉवल के बाद आर हो तो कौन सा सिलेबल माना जाएगा, आर कंट्रोल्ड सिलेबल माना जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसके जो टाइप है उनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्लोज्ड सिलेबल बंद शब्दांश, वर्ड एंड्स विद कॉन्सोनेंट, शब्द जो व्यंजन के साथ समाप्त होता है, एक शब्द में व्यंजन होता है जो कि शब्द के अंत में होता है, जैसे वर्ड के अंत में व्यंजन हो, जैसे कैट मैन हैन, कैट में कैट का जो समाप्त हो रहा है, कैट खत्म हो रहा है, टी पे हो रहा है, मैन का एन,
और हेन का एन, लेकिन इसमें सिलेबल कौन कौन है? ए ए ई, कैसे? कैट, मैन, हेन। बंद शब्दांश जो होते हैं इनके अंत में एक कॉन्सोनेंट होता है, साथ ही इनकी ध्वनि छोटी होती है, मतलब जो स्वर निकलता है वो हल्के से निकलता है, जैसे कैट, मैन, हेन। आप समझ गए होंगे सिलेबल कैसे हो गया, ये ओपन क्लोज सिलेबल हो गया। अब अगला है आपका ओपन सिलेबल। ओपन सिलेबल में क्या होता है? खुला शब्दांश होता है। वर्ड एंड्स विद वॉवल, शब्द जो स्वर के साथ समाप्त होता है। इसमें शब्द के अंत में कोई वर्ड होगा, वर्ड के अंत में ई रहेगा, जैसे ही, सी, मी, गो, हु। इनमें लास्ट में कौन सा है? ई स्वर है, इसमें भी ई स्वर है, और इसमें भी ई है, इसमें गो, और इसमें इसमें भी ओ है। तो जो ओपन सिलेबल होते हैं, खुला शब्दांश जिन्हें कहते हैं, वो क्या होते हैं? उन शब्दों का जो अंत होता है वो किसी वॉवल पे खत्म होते हैं आके। ठीक है, आप समझ गए होंगे ओपन सिलेबल कैसा होता है। अगला है वॉवल टीम सिलेबल, स्वर टीम शब्दांश। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें टू वर्ड्स, टू वॉवल्स दैट मेक वन वॉवल साउंड, दो स्वर जो एक स्वर की ध्वनि बनाते हैं। स्वर दो होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, जो साउंड आता है वो एक आता है। देखिए कैसे एक आता है, गॉट, बोट, चीट, मीट। गॉट में क्या है, गॉट, ओ की ध्वनि आ रही है इसमें, गॉट। बोट में ओ की ध्वनि आ रही है, ओ और ए को मिला के क्या बन गया, ओ। चीट, ई और ए को मिला के क्या बना दिया इन्होंने, बड़ी ई, चीट। ऐसे ही मीट में दो ई को मिला के बना दिया बड़ी ई का साउंड, जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है, बड़ी ई का आ रहा है। तो क्या हो गया, गॉट, बोट, मीट, चीट, इन सब में दो स्वर हैं जो कि एक ध्वनि को बना रहे हैं। यहाँ पे टू वॉवल्स हैं लेकिन एक वॉवल साउंड आ रहा है। ठीक है, तो इसको वॉवल टीम सिलेबल कहते हैं। यहाँ पे दो वॉवल्स की टीम बन जाती है, ध्यान रखिए जहाँ दो वॉवल की टीम बने वो क्या हो गया, वॉवल टीम सिलेबल हो गया। ठीक है, अगला है डिफथोंग सिलेबल। इसमें क्या है, देखिए डिफथोंग सिलेबल जो होता है, दिस टाइप ऑफ सिलेबल्स कंटेन्स टू वॉवल्स दैट मेक्स अ कंबाइंड वॉवल साउंड। इस प्रकार के शब्दांशों में दो स्वर होते हैं जो एक संयुक्त ध्वनि बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, जैसे कि पहला ले लेते हैं ए आई, ए आई से क्या बनता है, टेल। ए आई मिलके किसकी ध्वनि निकाल रहे हैं, ए की, टेल। अगला है ए वाई, ए वाई को मिला के कौन सा ध्वनि आई, प्ले, प्ले। ए वाई मिला क्या बना निकाल रहे हैं, ए, प्ले। ओ डब्ल्यू, ग्रो, ओ डब्ल्यू से क्या बना, ग्रो। ओ और डब्ल्यू मिलके कौन सी ध्वनि निकाल रहे हैं, ओ की, ग्रो। तो इसमें क्या है, दो स्वर कंबाइंड होके एक स्वर की ध्वनि बना रहे हैं। इसके बाद ई आई, एट, एट से क्या है, ई आई को मिला के किसकी ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है, ए का साउंड आ रहा है, तो एट। इसके बाद ओ आई, तो ऑयल या स्पॉइल, ऑयल। ओ आई मिलके किसकी ध्वनि निकाल रहे हैं यहाँ पे, ओय, 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 तो स्पॉइल। इसके बाद अगला है आपका ओ ए, यानी कि गॉट। ओ ए मिला के जो दोनों जब कंबाइंड हुए तो गॉट, ओ ए की साउंड जो है कंबाइंड हुई। तो जो आपके डिफथोंग सिलेबल हैं इनमें दो स्वर होते हैं जो संयुक्त
स्वर ध्वनि बनाते हैं, दोनों मिलके एक संयुक्त ध्वनि बन जाती है। अगला है वोवेल कंसोनेंट ई सिलेबल, स्वर व्यंजन ई शब्दांश। इसमें क्या है देखिए, इसमें है इन दिस टाइप सिलेबल देयर इज अ वोवेल फॉलोड बाय कंसोनेंट एंड देन लेटर ई। दिस इज यूजुअली कॉल्ड द मैजिक ई बिकॉज लेटर ई इज साइलेंट। इस प्रकार के शब्दांश में एक स्वर होता है जिसे व्यंजन और फिर अक्षर ई होता है बाद में, इसे आमतौर पर मैजिक ई कहा जाता है क्योंकि अक्षर ई साइलेंट है। देखिए कैसे, इन दिस टाइप ऑफ सिलेबल, इन दिस टाइप सिलेबल, इस तरह के शब्दांशों में देयर इज अ वोवेल, एक वोवेल होता है फॉलोड बाय कंसोनेंट जिसे कि कंसोनेंट के द्वारा अनुसरित किया जाता है, और साथ ही देन लेटर ई और उसके बाद ई होती है, कंसोनेंट के बाद ई आती है, और दिस इज यूजुअली कॉल्ड क्या होता है, इसे मैज जादुई ई बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं, क्योंकि ई जो है साइलेंट रहता है, इसलिए इसको यूजुअली कॉल्ड मैजिकल ई, ठीक है, मैजिक ई बुलाते हैं। इसके बाद इसका क्या है देखिए, इसमें कैसे लाइन, लाइन में आई, केवल आई जो है साउंड कर रहा है लाइन, एन के बाद क्या है ई, ई है वोवेल कंसोनेंट, एन के बाद क्या है ई, लेकिन ई की ध्वनि नहीं आ रही है, इसलिए इसको कहा जाता है क्या, क्या कहा जाता है इसको, वोवेल कंसोनेंट ई सिलेबल, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कंसोनेंट के बाद ई होती है लेकिन उसका कोई साउंड नहीं होता, वो साइलेंट होती है, इसीलिए इसे मैजिकल ई भी कहा जाता है, जादुई ई। क्यूट, क्यूट में क्या है, दो सिलेबल हैं यू और टी, यू और ई, लेकिन यू का उच्चारण हो रहा है, ई का नहीं हो रहा है, ई साइलेंट है, तो जहाँ पे व्यंजन के बाद ई आए, कंसोनेंट के बाद ई आए, वहाँ पे ई की ध्वनि नहीं आएगी, ई साइलेंट होती है, जैसे लाइन, क्यूट और होम। अगर ई हटा दिया जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे, तब भी इसे होम पढ़ा जाएगा, लेकिन हालांकि ये इनकरेक्ट है, इसमें ई लगाना है, लेकिन ई की ध्वनि साइलेंट रहेगी, इसे कहना नहीं है, तो ये वोवेल कंसोनेंट ई हो गया, वोवेल कंसोनेंट ई सिलेबल हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसमें कंसोनेंट के बाद ई होती है जो कि साइलेंट होती है, उसकी ध्वनि नहीं होती, इसीलिए इसे वोवेल कंसोनेंट ई सिलेबल कहा जाता है, ठीक है, पांच आप समझ गए होंगे। छठवा है कंसोनेंट एल ई सिलेबल, व्यंजन एल ई शब्दांश। इसमें क्या है, इन दिस टाइप ऑफ सिलेबल द लेटर एल ई मेक अल साउंड। देखिए इस तरह के जो सिलेबल होते हैं उनमें क्या होता है, जो व्यंजन होता है एल ई, एल ई जो लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं एल ई, वो कौन सा साउंड बनाते हैं, अल का बनाते हैं, यू एल, अल का साउंड आता है, होता एल ई है लेकिन आता है अल का, कैसे देखते हैं। इस प्रकार के शब्दांश में एल ई अक्षर अल ध्वनि बनाता है, कैसे, शिम्पल, शिम्पल, एल ई है लेकिन क्या बना रहा है, अल, शिम्पल। फिर अगला है पर पल, पर पल, अंत में क्या रहा है, अल, पर पल, सर कल, टे वल, एल ई मिलके क्या बना रहा है, अल की ध्वनि बना रहा है, शिम पल, पर पल, सर कल, टे वल, आप समझ गए होंगे। कंसोनेंट एल ई सिलेबल क्या होता है, इसमें एल ई मिलके अल, यू एल, अल का साउंड बनाते हैं, ठीक है। लास्ट है आर कंट्रोल्ड सिलेबल, आर नियंत्रित शब्दांश। ये क्या है, इन आर कंट्रोल्ड सिलेबस वर्ड्स, वर्ड्स देयर ऑलवेज अ वोवेल फॉलोड बाय एन आर, द आर गिव्स द वर्ड अ यूनिक साउंड। आर नियंत्रित शब्दांश में हमेशा एक स्वर होता है जिसके बाद आर होता है, आर र शब्द को एक अनूठी ध्वनि देता है, कैसे, हर, ईयर, फॉर, इसमें क्या है अनूठी ध्वनि, एक जैसे
हर एयर राह पे देर तक रुक रहे हैं ना फॉर इस तरीके से आर कंट्रोल्ड सिलेबल जो होते हैं उनके लास्ट में आर होता है ध्यान रखिएगा और साथ ही स्वर के बाद हमेशा आर होता है ये देखना है स्वर के बाद हमेशा एक बॉबल होगा बॉबल के बाद आर होगा लेकिन जो साउंड होगा वो रा का होगा लास्ट में इसके बाद क्या है इसकी ट्रिक देख लेते हैं ट्रिक क्या है कि बच्चों के लिए सिलेबल्स की पहचान करने का एक आसान तरीका यह सोचना है कि क्या उन्हें अगले शब्द को कहने के लिए अपने मुँह के आकार को बदलने की ज़रूरत है उदाहरण के तौर पर हाथी शब्द बोलते समय यानी कि एलिफेंट शब्द बोलते समय अपनी ठुड्डी को स्पर्श करें और गिनें कि आपकी ठुड्डी कितनी बार गिरी शायद आपने इस तरह शब्दांशों का उच्चारण किया होगा जैसे कि एलिफेंट तो ए ले फेंट और आपकी ठुड्डी तीन बार गिरी होगी जैसे कि आप अपनी जो आपकी चिन्ह है थोड़ी उस पर आप ठुड्डी पे अपनी उंगली रखिए उसके बाद आप बोलिए ए ले फेंट तो ये कहने पे आपका आपकी जो चेहरे का जो आपका मुँह का जो आकार है वो तीन बार बदला होगा और तीन बार आपकी ठुड्डी गिरी होगी तो इसका मतलब है कि तीन बार जो है ठुड्डी गिरी तो तीन सिलेबल इसमें हैं ठीक है इस तरीके से आप सिलेबल का पहचान सकते हैं कि सिलेबल किस शब्द में कितने सिलेबल हैं जितनी बार आपकी ठुड्डी गिरेगी उतने इसमें शब्द में सिलेबल होंगे ठीक है देखिए सिलेबल्स के बारे में जानना क्यों जरूरी है सिलेबल्स क्यों सीखा जाए देखिए क्या है कि ध्वन्यात्मकता और अंग्रेजी व्याकरण में प्रगति करने के लिए सिलेबल्स के बारे में सीखना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ध्वनि के साथ साथ भाषण की मूल इकाइयां हैं जब आप किसी भी शब्द को बोलना सही से सीख जाएंगे और भाषण क्या है जो स्पीच आप तैयार करते हैं उसकी मूल इकाइयां हैं वे बाद की शिक्षा में नए शब्दों को सीखने में मदद करते हैं जो आप नए शब्द सीखेंगे जब आप पढ़ाई करते हैं कर रहे होंगे तो कुछ नए शब्द आपके आएंगे उनको समझने मदद करेगा क्या जो सिलेबल आप सीखेंगे सभी स्वर ध्वनियाँ स्वरों से नहीं बनती जो स्वर की ध्वनियाँ होती हैं वो सब स्वर से तो नहीं बनती देखिए कैसे उदाहरण के लिए लय शब्द में कोई स्वर नहीं है बल्कि दो शब्दांश हैं लय का क्या है लय यानी आपकी क्या है रिदम आर एच वाई टी एच एम रिदम इसमें कहीं है लेकिन रिदम में क्या है रिदम में भी आपके दो शब्दांश रे दम एक तो ये वाई रे आई की ध्वनि निकल रही है दम यानी कि आप दम लिखेंगे तो दम कैसे बना द अ म दम तो दम में भी आ का साउंड निकल रहा है ठीक है इस तरीके से ये आपका रिदम में भी आपके कितने शब्दांश हुए दो शब्दांश हुए एक वाई जो आई का दे रहा है और दूसरा दम में जो आ का साउंड दे रहा है इसलिए इसे सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इसमें आपको कहीं भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आपको बता दिया जाएगा पोस्ट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ताकि आपके जो दूसरे साथी हैं उन सबको इसका लाभ मिल सके धन्यवाद